पंजाब के 31 किसान संगठन एकजुट हो गए हैं। उन्होंने आज पंजाब के अंदर जगह जगह पर गांव में, शहरों में, कस्बों में जो किसान बिल केंद्र सरकार लेकर आई है उसका बिल को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। किसान नेता दलजीत सिंह चक अमृतसर ने कहा कि किसान 25 तारीख को दिखा देंगे केंद्र सरकार को किसानों की एकता क्या होती है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पंजाब का किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान के ऊपर जो हमला इस कानून के द्वारा कोरोना काल के अंदर किया है उसका खामियाजा भी सरकार भुगते, उसके लिए तैयार रहे। किसानों ने फैसला कर लिया है कि केंद्र सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। किसान किसी भी कीमत पर इस बिल को मंजूर नहीं करते, इस बिल के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तिन्ने किसान विरोधी ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, साडे हक बैठे रख, साडे हक बैठे रख, हक लवांगे, हक लवांगे, असी मोदी सरकार नूं दस देना चाहुंदे आ कि जिहड़े काले कानून लैके आए आ, इह तिन्ने ऑर्डिनेंस किसानां दे विरुद्ध विच लैके आए आ, असी कदे वी बर्दाश्त नहीं करांगे। साडी हैल्थ खोली मोदी ने, साडी एजुकेशन खोली, रह की गया सी खेतीबाड़ी सैक्टर, उह वी इहने वेचता अंबानियां अडानियां नूं। असी उह खेतीबाड़ी सैक्टर अपनी जिंद जान साडियां जमीनां असी कदे वी विकण नहीं देवांगे। असी इहनूं दस देना चाहुंदे आ कि इह साडे ढिड दी लड़ाई आ, असी अपने ढिड वस्ते अपनी इस पीढ़ी पिछे अपने सारे किसानी पिछे असी बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ांगे। असी किसी पार्टी पर विश्वास नहीं करते, ये सियासी पार्टियां ने साडियां जड़ां च तेल पाया, ये सियासी पार्टियां की देन आ कि अज किसान दी हालत हो रही आ। असी किसी भी चाहे अकाली आ चाहे कांग्रेस आ बीजेपी, ये किसान की लड़ाई नहीं, ये किसान के मोढ़े ते रख के ये आड़ती तबाह कर जा रहे, सैलरां वाले नूं तबाह कर जा रहे, छोटे कारखानेदार, छोटे जिहड़े व्यापारी, छोटे दुकानदार, ये सारे वास्ते बिल मारू घातक होगा। ये कल्ले किसान नहीं मरूगा, सारे मरणगे। इस करके किसानों की लड़ाई नहीं, असी अपील करते कि सारा घर घर ये जिहड़ा अंदोलन है असीं घर घर, शहर शहर, पिंड पिंड, कस्बे दे विच पहुँचा देंगे। काले चोले साडा रोस आ, दूजा इन्हां नूं दस देना चाहुंदे कि साडे पहलां किसान फा लैके मरदे सी, पर साडे इन्हां नूं सानूं पिछोकड़ सानूं याद आ, साडे भगत सिंह हुणां नायक साडे जिहड़े वरसा पा के चुम के मरे सीगे। असीं हुण खुदकुशी नहीं करांगे, असीं इन्हां नूं दस देना चाहुंदे आ कि असीं रस्सा पा सकदे, रस्सा पा खिच भी सकदे आ। इस करके अज किसान जाग चुका आ, असीं अपने हक लैके रहांगे, इह रस्सा पाउण दा मकसद इह आ। सारियां जथेबंदियां अपने मतभेद अपने विचार इक पासे रख के इस ऑर्डिनेंस दे खिलाफ़ इक फ्रंट ते आ चुकियां ने। असी दस देना चाहुंदे आ कि साडी लड़ाई सिर्फ ऑडियंस आ, बाकी साडा कुछ नहीं, साडी सारे जथेबंदे इक फ्रंट ते आ चुकियां ने। सानू वो नैटवर्क दे नाल अमली कर दिता, हुण उही सिंप दे नाल 600 रुपया लैंदे ने, 3-3 महीने दिंदे ने, उही जिहड़ा किसानां नाल होण जा रहा है। इह बाहरों जाके खरीदणगे ते लालच देणगे, लालच दे के फिर जिहड़ा जियो सिंप नाल साडे नाल करिया इहनां ने, उही किसानां नाल होण जा रहा है। इह लोटू सरकार है, असी किसान विरोधी हाँ, असी उहदा विरोध करते हाँ। जो इलैक्शन वास्ते आउणगे उरे साडे पंजाब दे विच, असी उहनां दे जुत्तियां मारांगे। सरकार ने ऑडियंस बिल लागू किया जी, इहनां नूं असीं पूरा विरोध करते हाँ। सारी भारतीय किसान यूनियन लखोवाला वालों असी गोडा रख के धौण ते मोदी साहब तों वापस करावांगे बिल, सारे किसानां नूं असी लाभबंद करांगे। असी सारे किसान भरावां बेनती करदे हां वी सारे इकट्ठे हो जाओ, जे आपां इकट्ठे ना होए तां अपने इह बहुत नतीजे माड़े निकलणगे। आपां मोदी सरकार नूं दसणा है वी आपां सारे किसान इकट्ठे हो के दिल्ली नूं बहीरां कट दईए। रजीत सिंह, इस कल्ले साडे ते मार नहीं पैंदी, इह सारे जिन्ने भी दुकानदार ने, आड़तीए ने, जो व्यापारी है, दलाल है, असी उहनां नूं दसणा चाहुंदे हां कि तुसीं वी जागो, क्योंकि सब्जी शहर दे विच आउंदी है ते उह 2.5 रुपए आ के विक गई, तो 2 रुपये अड़ती ने ले ले, तो जाके जो को जाती अपने दुकानदार को फिर वह भी वो पैसे बट देगा। पर होगा कि यह बड़े पूंजीपति कट्ठे होकर ये आपकी मोहर ला के ये बेचणगे, कि ना तो वह अड़त के बिच आनी है तो ना वह दुकानदार के कोल आनी है। कि असी सारे बेनती करते हैं कि कल किसान की गल नहीं हैगी,
अज सारे दुकानदारां दी दुकानदार सारा जागे ध्यान देवे अपने दिमाग च लियावे वी गल की है। जे किसान तो जक्का चलूगा तां जाके किते गाहां जक्का तुरूगा, नहीं सारे मारे जाणगे। किसानां ने दस्सिया कि जिहड़ा ये काला कानून बना के केंद्र सरकार लेके आई है इस दे नाल पंजाब दा किसान नहीं पूरे देश दा किसान तबाह हो जाणा है। किसानां दे विच गुस्सा है इस गल नूं लेके। किसानां ने दस्सिया कि पूरे देश दे किसानां नूं असीं अपील करदे हां एकजुट हो जाओ और केंद्र सरकार दे खिलाफ़ खड़े हो जाओ और इसका खामियाजा केंद्र सरकार नूं आने वाले समय दे विच भुगतना पवेगा। पंजाब दे विच 2022 से जिहड़ी चोणां होनी है उस टाइम इन लीडरां नूं किसानां दा कहना है असीं पिंडां 'च नहीं दाखिल होण देवांगे। इस दे लई सरकार नूं इस बिल दे उत्ते या कुछ सोध करे या इस ते मुड़ विचार करे या इनू वापस लेवे, नहीं तो किसानों का संघर्ष पंजाब से आने वाले समय में से और तीखे होवेगा। कैमरामैन बालकृष्ण गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।